नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और जीटी रोड स्थित ज्वालापुरी गली नंबर 5 में हूं। यकीनन आपने गीत सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित गीत है। इसी गीत को लेकर प्रदेश में और केंद्र में दोनों ओर भाजपा में सरकार हो गई, लेकिन वहीं पर एक इस तरीके का हमारे बीच में व्रत जोड़ा खड़ा है। दोनों दंपत्य जीवन बड़े प्रेम से चला रहे हैं और मन में संकल्प है भगवान राम की सेवा करना। जब से इन्हें पता चला कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है, तभी से आपने अलीगढ़ का नायाब ताला, जी हाँ, तहजीब, तरबियत और ताले के लिए पहचाने जाने वाला क्षेत्र अलीगढ़, और उसी अलीगढ़ में आप देख सकते हैं इन्होंने एक शानदार ताला बनाया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 4.5 फीट चौड़ाई, 10 फीट ऊंचाई और 9 इंची मोटा ताला है। आप देख सकते हैं ये विशालकाय ताला। इन्होंने पूरे जीवन की पूंजी लगाकर यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं और ब्रज माता रुक्मणी देवी जी, दोनों लोग मिलकर इस ताले को बना रहे हैं। आइए बात करते हैं कि इस ताले को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस ताले को बनाने की ये आवश्यकता पड़ी कि मैं इसको ताले को मैं राम मंदिर के लिए भेंट करना चाहता था, इसलिए मैंने इस अयोध्या का राम मंदिर जो बनना है, मैं उसके लिए ये ताला अपने ज़िला अलीगढ़ का नाम रोशन करने की वजह से मैं एक ताला अपनी भेंट कर रहा हूँ अलीगढ़ से, और इस ताले को मैं अयोध्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी अयोध्या पहुँचे ये ताला है। तो चचा, इस ताले को बनाने के लिए मन में क्या संकल्प था आपके, क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मैंने एक ताला और बनाया था इससे छोटा, तो उस पर मीडिया वालों ने मतलब पूरी ऑल इंडिया में मतलब इसको वो कर दिया था, रिलीज है का, तो मैंने फिर वहाँ से सबकी शिकायत यही आई थी कि आपने राम मंदिर के लिए ताला बनाया है, तो मैंने उस ताले के लिए तो मना किया था कि ये ताला मैंने राम मंदिर के लिए नहीं बनाया, मैं अब दूसरा ताला राम मंदिर के लिए तैयार करूँगा। अच्छा, अब ये ताला मैं कई सालों से जब भी निकलता हूँ ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट कब तक कर रहे हैं आप इसको? ये कंप्लीट मैं देखो थोड़ा पैसे का मेरे पास मतलब शॉर्टेज अभाव चल रहा है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। क्यों, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, अभी इसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपये लगना है, क्योंकि इसको मैं पूरा स्टील बॉडी में और कम से कम 1 क्विंटल पीतल इसमें लगेगी, इसलिए मतलब ये रुका हुआ पड़ा है। तो सरकार बना ली लोगों ने भगवान राम का गीत गाकर, और यहाँ पर सभी विधायक और नेता सभी लोग भगवान राम के ही अनुयायी हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? आप क्या जनप्रतिनिधियों के पास गए अपनी समस्या? हाँ जी, मैं सबके पास गया हूँ। मैं सांसद जी के पास तो कई बार गया हूँ और विधायकों के पास भी कई बार गया हूँ, परंतु उन सब ने मेरे से मना कर दिया कि हमारे पास कोई निधि नहीं है इसके लिए, और DM साहब के पास भी गया हूँ, और मैंने दिल्ली प्रधानमंत्री के पास भी मैंने रजिस्ट्री की हैं, ऑनलाइन भी की हैं, और नगलऊ भी मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए भी वहाँ भी ऑनलाइन किया है, रजिस्ट्री भी की हैं, परंतु कहीं से मुझे अभी कोई भी नहीं मिला है जवाब। जी माता जी, आप बता रही थी लखनऊ गई थी आप? हाँ, हम नगलऊ गए थे, सुबह 4 बजे पहुँचे थे, पर हम मेरे को तो नहीं अंदर घुसने दिया, ये अंदर घुसे थे तो वहाँ पर बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर योगी सी तो मिले नहीं, उनके सेक्रेटरी मिले थे, उन्होंने बातचीत करी, उसके बाद में फिर मौर्या गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो उनके हाथ में के कागज़ देकर वापस आए। तो वहाँ भी आपकी कोई मदद नहीं हुई? कोई नहीं थी, कोई नहीं थे, उन्होंने ये कही थी कि कागज़ ले करके और मैं आपको सूचना दे दूंगा, तो उन्होंने अभी तक कोई सूचना नहीं। कितने दिन पहले गई थे, कुछ है अंदाजा आपको? हाँ, 2 साल के करीब होने आई। तो 2 साल से अभी तक आप लोगों की कोई जो समस्या थी रुक्मणी देवी जी की और आपकी, ताला बनाने में आप पूरे तरीके से अभी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ आर्थिक कमजोरी के चलते? हाँ, हम क्योंकि काम धंधा आजकल सुस्त चल रहा है, आमदनी का जरिया बिगड़ गया है, इसलिए इसमें पैसा नहीं लगा सकते, और मेरे पति हार्ट के पेशेंट है, इसलिए मैं भारी काम कर रही हूँ। जी चाचा, आप बता रहे थे कि आपकी 2 बार 3 बार तीन बार मुझे हार्ट का अटैक पड़ गया है, और भी बीच में तबीयत खराब होती रही है, इसलिए मैं जॉब भी नहीं कर पाया अपना, इसलिए ये ताला रुका हुआ पड़ा है। तो क्या आखिरी इच्छा क्या है? आखिरी इच्छा ये है कि मैं इस ताले को अयोध्या के लिए मैं पहुंचाना चाहता हूं, अगर सहयोग मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी पर्पज़ से मैं अब इस ताले को पूरा करूंगा और अयोध्या पहुँचाऊँगा। आप थे हमारे साथ श्रद्धेय सत्य प्रकाश शर्मा जी और आपकी धर्म पत्नी
श्रीमती रुक्मणी देवी जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार कई बार इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, इन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन मन में भगवान राम के प्रति संकल्प और उनके प्रति आस्था का जो गुबार है वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिरी दम तक मैं अयोध्या भगवान राम के मंदिर में अपने अलीगढ़ के धांसू ताले को पहुंचा के रहूँगा। मेरे जीवन का संकल्प है कि वृद्ध चाचा सतप्रकाश शर्मा जी ने बताया कि भगवान राम के मंदिर में अलीगढ़ का धांसू ताला, जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अलीगढ़ के ताले को पहचाना जाता है, ये वहाँ पर भगवान राम के मंदिर में इस ताले को रख कर स्थापित कर अलीगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में अलीगढ़ के ताले का डंका मनवाना चाहते हैं। दोनों वृद्ध दंपति दिन रात लगे रहते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते जो भी जमा पूंजी थी उससे इन्होंने पूरे तरीके से भगवान राम का नाम लेकर मंदिर निर्माण के दौरान संकल्प लिया कि अलीगढ़ के शानदार ताले को मैं भगवान राम के मंदिर तक पहुँचाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी समस्या क्यों ना झेलनी पड़े। और जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार कई बार हार्ट की समस्या होने पर इन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा है, लेकिन भगवान राम की इनके ऊपर अनन्य अनुकंपा के चलते ये वापस आ जाते हैं। लगता है भगवान राम इनके अधूरे कार्य को पूरा करके ही इनको शांति मार्ग पर पहुँचाएंगे। हमारे बीच में एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। महोदय, क्या नाम है आप? मेरा नाम है दयाशंकर शर्मा जी। शर्मा जी, क्या देखते हैं आप यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इनके मन में जो दृढ़ संकल्प है, ये भगवान राम की कृपा से अगर सही हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है अच्छा कि हमारे वृद्ध इस धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं? और यहाँ प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी वैसे सहयोग देना चाहिए उनको, उन्हें सहायता इनकी करनी चाहिए जिससे कि अपने कार्य में अपने सफल हो सकें और आगे अपनी कार्रवाई पूरी कर सकें, ताले को समय से पहुंचा सकें। क्या लग रहा है आपको, ये वृद्ध बुजुर्ग वृद्ध नहीं, उनके मन में जो उन्होंने संकल्प लिया है उसे पूरा करना चाहिए और होना भी चाहिए इसके माध्यम से। और आप इसके आपके चैनल के माध्यम से भी ये जनप्रतिनिधि देखें और इनकी आवाज़ को सुने, करेंगे भी। अब ये चैनल पर देखेंगे तो शायद करेंगे, ऐसा है उम्मीद है। चलिए, 2024 का इलेक्शन आ रहा है चाचा, पहले तो शायद आपका काम पूरा नहीं हो सका था, लेकिन संभवतः इस बार आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। एक युवा हमारे साथ में है, मेरे भाई क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। रवि भाई, इनके पास में रहते हैं आप, क्या महसूस करते हैं? हम ये महसूस करते हैं कि ये इन्होंने जो ताला बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है और इसको मेहनत की कड़ी मेहनत के साथ बनाया है, खून पसीना एक करके, जिसको अभी ये पूरा नहीं हो पाया है। और ये ताला जो है राम मंदिर अयोध्या के लिए बनाया गया है और उम्मीद है कि जो है जल्द से जल्द ये पूरा हो करके राम मंदिर पहुँचाया जाएगा। आपका क्या सहयोग रहेगा इनके लिए? हम सहयोग ये है कि पूरे जनवासियों से कहते हैं कि मतलब सब मिल करके इनकी सहायता करें और बाकी का ये अपना काम पूरा करें।